तो मेरे प्यारे से बच्चों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हम लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो आज हम बहुत देखो क्या पढ़ने वाले हैं जो आपका प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल आपका पूछा जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे एकदम मैं आपको प्रैक्टिकल से बताऊंगा कार्ड से रिलेटेड एकदम समझाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में ओके तो सबसे पहले मैं आपको कुछ मैं आपको एक बताता हूँ चार्ट बताता हूँ कैसे कैसे आपको याद रखना है तो ये जो आपका कार्ड होता है ना बाबू ये आपका टोटल कार्ड कितना होता है फिफ्टी कार्ड होता है आपका ठीक है अब ये बावन जो पत्ते होते हैं इसके अंदर अब इसमें भी दो क्राइटेरिया आपको दो क्राइटेरिया क्या आपका ब्लैक कितना होता है और रेड कितना होता है ब्लैक आपका ट्वेंटी सिक्स होता है और रेड आपका ट्वेंटी सिक्स होता है तो बावन पत्तों में दो क्राइटेरिया आपका ट्वेंटी सिक्स और ट्वेंटी सिक्स का आपका ठीक है तो ब्लैक आपका देखो कितना छब्बीस होता है आपका ठीक है जैसे ये वाला आपका ब्लैक है ठीक है ये सब आपका ब्लैक अभी कम कौन सा अभी बताऊंगा ये ब्लैक है तेरह ये है ठीक है और तेरह ये है आपका ठीक है ये आपका ब्लैक है टोटल कितना आपका छब्बीस कार्ड है आपका ठीक है वैसे ही आपका रेड आपका ठीक है ये दोनों आपका कितना छब्बीस कार्ड है आपका ठीक है अब ब्लैक में भी डिवाइड किया गया स्पेड कितना है तेरह है और क्लब कितना है तेरह है रेड को भी डिवाइड किया जाएगा डायमंड कितना है तेरह है और हट कितना आपका तेरह होता है ये क्या क्या होता था था है आपका ये मैं आपको बताता हूँ अब देखो तो स्पेड किसको बोलते हैं ये वाले साइन के बोलते हैं टोटल तो कितना होता है तेरह होता है गिन लो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ठीक है तेरह स्पेड कार्ड होता है ठीक है ये मैंने साइन बता दिया और तेरह ही आपका क्या होता है क्लब होता है इसको क्लब बोलते हैं जो चिड़ी की तरह यहां पर फूल नहीं बना है इसको क्लब बोलते हैं ठीक है ना तो ये भी आपका तेरह होता है देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो सब आपका तेरह तेरह आपको डिवाइड नहीं किया गया आपका ठीक है ना डायमंड आपका कौन सा साइन होता है आपका डायमंड का साइन आपका ये वाला होता है देखो आपका ईटा बना हुआ आपका ईट की तरह ठीक है ना इसको डायमंड बोलते हैं ये भी तेरह होता है एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ठीक है वैसे आपका हट होता है आपका हट देखो हट को पान बोलते हैं हिंदी में ठीक है ये कितना होता है एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ दस ग्यारह बारह तेरह तो ये भी आपका तेरह हो गया ठीक है ओके तो सारा आपका जो भी आपका कार्ड आपका बावन पत्ता ठीक है सब आपका तेरह तेरह डिवाइड है आपका ठीक है तेरह चौक बावन हो गया आपका और छब्बीस ब्लैक है आपका और छब्बीस आपका रेड होता है और देखो बाबू आपको क्या जान रखना है स्पेट क्लब डायमंड और हट में आपका क्या होता है One को क्या बोलते हैं एस बोलते हैं ये जो आपका है ना वन ये आपको वन नहीं होता आपका एस होता है फिर दो होता है फिर तीन होता है फिर चार होता है फिर पांच होता है छह होता है सात आठ नौ दस नंबर तक होता है ठीक है फिर उसके बाद जैक होता है फिर क्यून होता है फिर किंग होता है ये सब में होता आपका। में आपका है आपका आपका स्पेड में भी ये टोटल तेरह है आपका देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो स्पेड में समझते हैं तो स्पेड में आपका टोटल तेरह है तो एक को क्या बोलते हैं हम ये वाला कार्ड बोलते हैं एस बोलते हैं इसको ठीक है ये वाला कार्ड एस बोलते हैं इसको ठीक है दो क्या बोलते हैं ये ये वाला कार्ड बोलते हैं दो को तीन को क्या बोलते हैं ये वाला कार्ड बोलते हैं चार को

क्लब में भी आपका सारा तेरा है आपका देख लो देख लो सब आपका ठीक है ना क्लब में भी वैसे ही आपका बाबू देखो डायमंड में भी आपका आपका कितना है ही होंगे आपका. एक से लेकर तेरह तक देखो एक से लेकर ये पूरा कार्ड वही है तेरह तक ठीक है वैसे ही आपका हर्ट में भी आपका क्या है ये पूरा पूरा तेरह कार्ड वैसे ही बना हुआ है आपका ठीक है ओके okay, देख लो ठीक ओके okay, ये समझ में आ गया ना अभी और समझाता हूँ अब देखो बाबू हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ठीक है ना तो क्वेश्चन पहला आपका क्या कह रहा है आपका बावन पत्तों में से फिफ्टी टू कार्ड में से आपको रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताना है और ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी आपको छाटना है आपको ठीक है ना तो सबसे पहले रेड आपका देखो ब्लैक रेड कितना होता है आपका ट्वेंटी सिक्स होता है रेड आपका कौन सा कार्ड होता है आपका तेरह तेरह होता है मैंने आपको बताया ठीक है तेरह ये हो गया और तेरह ये हो गया तेरह तेरह आपका कितना होगा छब्बीस हो गया आपका ठीक है तो आपको देखो जो पूछेगा देखो सबसे पहले टोटल कितना आपका टोटल आपका फिफ्टी टू तो फिफ्टी टू लिखेंगे जो पूछेगा आपका प्रोबेबिलिटी वो ऊपर लिखते हैं ठीक है ट्वेंटी सिक्स होगा रेड का अब इसको काटोगे तो इसका आंसर कितना आएगा आपका छब्बीस से काटोगे वन बाई इसका आंसर आ जाएगा आपका ठीक है वैसे आपका ब्लैक का भी आपका कितना आएगा ब्लैक भी आपका ट्वेंटी सिक्स काट होता है आपका ट्वेंटी सिक्स डिवाइड बाई फिफ्टी टू काटोगे आपका कितना होगा वन बाई टू आ जाएगा आपका ठीक है ना अब इसको परसेंट में भी पूछ लेता है तो परसेंट में पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको ठीक है इसको इसको काटोगे आपका कितना फिफ्टी परसेंट इसकी प्रोबेबिलिटी आ गया आपका ठीक है और इसको भी हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा फिफ्टी परसेंट इसका परसेंटेज तो में आपको पूछेगा तो सौ से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई ठीक है ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो अगला जो क्वेश्चन आपका इसी क्वेश्चन में आपका चार पार्ट आपका पूछा ठीक है तो हमको 52 कार्ड में से आपका स्पेड की प्रोबेबिलिटी बताना है क्लब के भी बताना डायमंड के भी बताना है, और हट के भी आपको बताना है ठीक है तो आपको पता ही बाबू स्पेड में आपका तो टोटल कितना कार्ड हो हो होता है आपका ये वाला जो कार्ड होता है आपका स्पेड ये वाला जो साइन होता है आपका स्पेड बोलते हैं तो इसमें टोटल कितना होता आपका तेरह होता आपका ठीक है तो नीचे आपका क्या लिखा जाता है टोटल आपका कितना आपका फिफ्टी है आपका तेरह ऊपर हो जाएगा आपका ठीक है तो इसको तेरह से काटोगे कितना आ तेरह चौको बाईन वन बाई फोर इसका आंसर आ जाएगा ठीक है ओके अब आपको क्लब में भी आपका कितना होता है आपका तेरह होता है तो तेरह कौन कौन सा होता है आपका ये क्लब होता है आपका ठीक है ये पूरा टोटल कितना आपका तेरह काउंट कर लो तो तेरह ऊपर हो गया आपका तेरह ऊपर हो गया और फिफ्टी टू आपका नीचे हो जाएगा ठीक इसको काटोगे आपका कितना हो जाएगा वन बाई फोर गया इसका भी आंसर अब देखो डायमंड ये ये आपका वाला होता है आपका डायमंड आपका कितना ये भी आपका तेरह ही आपका मैंने काउंट करके बताया था तेरह डिवाइड बाई फिफ्टी टू ये 52 हमेशा नीचे रहेगा आपका ठीक है कार्ड वाले क्वेश्चन में तो इसको काटोगे आपका कितना जाएगा? वन बाई फोर हो गया ठीक है और इसका अब इसका आंसर देखो कितना आएगा आपका हार्ट आपका कितना आपका हार्ट आपका ये वाला होता है जिसमें ये बना होता है तेरह इसमें भी होता है तो तेरह डिवाइड बाई फिफ्टी ये आपको काटोगे तो वन बाई इज करेक्ट आंसर तो हर एक क्वेश्चन का आपका वन बाई फोर आंसर आएगा आपका ठीक है स्पेड का पूछे क्लब का पूछे डायमंड का पूछे हार्ट का पूछे क्योंकि समय तेरे तेरे होता है बाउंड से डिवाइड करोगे वन बाई फोर आएगा ठीक है क्वेश्चन आपका अगर जो आ जाएगा कोई एक आपका बोर्ड एग्जाम में आपका आ सकता है तो वन बाई इसका आंसर आता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब ये वाला जो क्वेश्चन आपका एनसीआर का क्वेश्चन आपका ठीक है फिफ्टी कार्ड में से आपको एस होने की प्रोबेबिलिटी बताना नॉन एस होने की प्रोबेबिलिटी बनी दोनों क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ आपका ठीक है ना तो क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन देखो टोटल आपका फिफ्टी कार्ड होता है आपका तो एस आपका टोटल कितना होता है स्पेड में आपका एक होता है देखो स्पेड में आपका एक होता है क्लब में आपका एक होता है डायमंड में आपका एक होता है हार्ट में भी आपका एक होता है सब में आपका एक-एक होता है आपका ये मैंने आपको बताया ठीक है तो टोटल आपका कितना एक इस हो गया आपका चार हो गया आ, 52 से डिवाइड करेंगे टोटल कार्ड से इसको कार्डों का 13 4 बावन, ठीक है 1 by 13 इसका आंसर आ गया ओके इसका आंसर आ गया अब नॉन एस के किस में क्या होता है ये निगेटिव सेंटेंस होता है जब भी निगेटिव सेंटेंस होता है तो एक को हम माइनस कर देंगे एक में से हम माइनस कर देंगे जिसका पूछा हुआ था एक माइनस एस होने की प्रोबल्टी एस होने की प्रोबलिटी हमने क्या निकाला वन बाई थर्टीन तो वन बाई थर्टीन इसको सॉल्व करोगे आपका टोटल डिवाइड बाई थर्टीन आएगा इसका आंसर ओके okay. अब एक तरीका और ये कैसे आया कैसे आया ये मैं आपको बता रहा हूँ डिवाइड बाई फिफ्टी टू लिखेंगे टोटल कार्ड ठीक है अब यहां पर क्या आएगा देखो ये बावन पत्तों में से मैंने ये चार पत्ते हमें निकाल के पूछ रहा है ना उन्हें इसका मतलब इसको निकाल के पूछ रहा है आपका ठीक है तो इसको निकाल दोगे तो फिफ्टी टू में से चार पत्ता ये निकाल दोगे तो आपका कितना बताएगा फोर्टी एट बचेगा तो फोर्टी एट कार्ड बचेगा अब इसको सॉल्व करोगे आपको ठीक है काटोगे तो आपका कितना चार से काटोगे बारह चौक को अड़तालीस और चार से इसको काटोगे तेरह चौक को बावन तो बारह डिवाइड बाई थ्री आपका आंसर यह आया ना हाँ बिल्कुल आया तो ऐसे भी निकाल सकते हो पूरा अब देखो बाबू अगला जो क्वेश्चन आपको 52 कार्ड में से आपको क्या बताना है रेड एस कितना होगा ब्लैक एस होने की प्रोबेबिलिटी बताना है तो टोटल आपका चार एस होता है आपका तो रेड आपका कितना है एक दो ठीक है तो रेड आपका कितना है दो है तो दो यहां पर लिख लेते हैं फिफ्टी टू से डिवाइड कर देंगे फिफ्टी टू और दो ऊपर लिख देंगे जो पूछता है वहां उसको ऊपर लिखते हैं ठीक है ना प्रोबेबिलिटी इसको सॉल्व करोगे दो से काटोगे आपका वन बाई ट्वेंटी सिक्स इसका आंसर आ जाएगा आपका ठीक अब देखो ब्लैक वाला इस कितना आपका ब्लैक भी आपका एक दो है आपका ठीक है तो टू बाई फिफ्टी टू तो ये भी आपका काटोगे आपका वन बाई ट्वेंटी सिक्स ही आएगा आपका दो से काटोगे तो ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब देखो बाबू ये वाला जो क्वेश्चन आपका है। एक क्वेश्चन इसमें सीबीएसई में पूछा हुआ आपका ठीक है ना तो फिफ्टी टू कार्ड में से आपका स्पेड में कितने टू नंबर वाला कार्ड है वो आपको बताना है कितने टू वाला क्लब में है वो बताना है कितने आपका टू डायमंड में आपका है वो बताना है कितने आपका टू हार्ट में आपका वो बताना है आपको ठीक है ना ओके तो अभी तो मैंने आपको समझाया बाबू इसकी प्रोबेबिलिटी देखो आपका स्पीड में आपका क्या होता है स्पीड आपका ये वाला कार्ड होता है आपका ठीक है स्पीड में आपका कितना आपका टोटल होता है एक ही होता है आपका हर एक में आपका एक एक होता है आपका ठीक है मैंने आपको बताया तो आपको वन बाय कितना हो जाएगा वन बाई फिफ्टी टू ये आपका आंसर हो जाएगा आपका ठीक है वैसे ही आपका क्लब में भी आपका कितना होता है आपका एक ही होता है आपका क्लब में भी आपका ये कितना होता है आपका एक ही होता है ठीक है तो वन बाई फिफ्टी टू इसका आंसर हो गया आपका वैसे ही आपका डायमंड जो डायमंड वाली आपका

है, तो वन बाई फिफ्टी टू आता है क्यों आता है दो तो है? का तो मैंने आपको सेपरेट बता दिया मान लो आपका टेन वाला नंबर पूछ दे ठीक है टेन वाला नंबर पूछ दे स्पीड का तो टेन में भी आपका चार होता है आपका टोटल ठीक है टेन में भी आपका एक ही आपका वन बाई फिफ्टी टू होगा स्पीड का ठीक है और उसके बाद क्लब में भी आपका कितना होता है आपका एक ही होता है आपका ठीक है वन बाई फिफ्टी टू हो गया आपका वैसे आपका डायमंड में आपका कितना होता है आपका देखो डायमंड कितना होता है आपका वन बाई फिफ्टी टू होता है वैसे आपका हट में भी आपका कितना होता आपका वन बाई फिफ्टी टू होगा आपका आंसर ठीक है तो पर्टिकुलर कोई एक नंबर का पूछेगा अगर जो ठीक है तो वो आपका वन बाय फिफ्टी टू होता है आपका वैसे ही अब देखो एक और समझा देता हूँ अच्छे समझ में आएगा जैक वाला जो पूछे तो जैक वाला होता आपका ठीक है तो स्पीड तो का आपका कितना हो गया आपका एक ही आपका तो हो गया ठीक है वैसे ही आपका ये किसका क्लब का आपका कितना होगा वन बाई फिफ्टी टू हो गया वैसे ही आपका डायमंड का कितना होगा आपका वन बाय फिफ्टी टू हो गया वैसे आपका हट का कितना होगा आपका वन बाय फिफ्टी टू होगा तो पर्टिकुलर एक नंबर का कोई पूछेगा तो आपका वन बाय फिफ्टी टू आंसर आता है बाबू ठीक है ना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप समझ गए आप अब तो अगला जो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये आपका सीबीएसई में आपका आता है तो आपको क्या करना है फिफ्टी टू कार्ड में आपको फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताना है रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताना और ब्लैक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताना है तो कैसे करेंगे ये फेस कार्ड क्या होता है ये मैं आपको समझा रहा हूं अभी देखो फेस कार्ड का मतलब होता है जिसमें आपका तस्वीर बना होता है ठीक है आपका ये फेस बना हुआ ना देखो कुछ फेस बनाना किंग का ये सब आपका इसमें तस्वीर बना हुआ है ठीक है इसी को बोलते हैं फेस कार्ड ठीक है ना ओके okay, देखो ये फेस कार्ड अब फेस कार्ड ये बावन में से टोटल है कितना देखो कौन को लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ठीक है तो बारह है ठीक है तो हम नीचे क्या लिखते हैं नीचे हम लिखते हैं बाबू फिफ्टी टू बारह ऊपर लिख देंगे बारह फेस कार्ड है ना आपका बारह अब इसको काटोगे चार से तो थ्री अपान थर्टीन आएगा इसका आंसर फेस कार्ड का आपका ठीक है ना अब आपको बताना है रेड फेस कार्ड कितना आपको उसकी प्रोटी रेट आपका कितना ये सब तो आपका ब्लैक है आपका ठीक है तो रेट आपको कितना? आपका एक दो तीन चार पाँच छेट है ठीक है तो सिक्स बाई फिफ्टी टू ठीक है इसको काटोगे दो से काटोगे आपका थ्री बाई ट्वेंटी सिक्स इसका आंसर आएगा आपका वैसे ही आपका ब्लैक आपका कितना है एक दो तीन चार पाँच छो तो सिक्स बाई फिफ्टी टू दो से काटोगे तो आपका टू थ्री बाई ट्वेंटी सिक्स इसका आंसर आएगा ठीक है ना ओके तो फेस कार्ड वाला क्वेश्चन बाबू बहुत ज्यादा आपका आता है ठीक है ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब ये वाला जो क्वेश्चन आपका पूछा हुआ आपका क्या बताना फिफ्टी टू कार्ड में से आपका किंग और क्वीन और फिर उसके बाद क्या पूछा सेकंड पार्ट में किंग एंड क्वीन पूछा है ठीक है ये और का मतलब क्या होता है एंड का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं और का मतलब होता है बाबू प्लस एंड का मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई ये आपको ध्यान रखना आपको बोर्ड एग्जाम में आपको ठीक है ना किंग आपका कितना होता है आपका चार होता है तो हर एक में आपका किंग होगा इसमें 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 भी इस में भी, इस भी, इस भी इस देखो चार होता है ना एक दो तीन चार तो फोर डिवाइड बाई फिफ्टी टू और का मतलब होता है प्लस आपका कितना होता है एक दो तीन चार हर में एक एक होगा ठीक है एक दो तीन प्रैक्टिकल से भी बता देना हूँ फोर बाई फिफ्टी टू अब बेस आपका सेम होता है तो ऊपर ऊपर क्या होता है आपका जुड़ जाता है ना ये आपका दोनों सेम है ना आपका तो चार चार आठ हो गया आपका जोड़ने पर अब इसको सॉल्व करोगे इसको काटोगे चार से तो ये आपका आएगा टू अपान थर्टीन आएगा ये इसका आंसर गया ये आपका सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ठीक है ना अब आपको किंग एंड वाला मैंने क्या बताया आपको मल्टीप्लाई बताना है ठीक है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको तो फोर अपन यही वाला क्वेश्चन आएगा फोर अपॉन फिफ्टी टू यहाँ पर प्लस ना होकर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको फोर अपन फिफ्टी और इसको इसको काटो इसको इसको काटो, इसको काटो आपका क्या टू बाई थर्टीन आया था टू बाई थर्टीन इंटू टू बाई थर्टीन आएगा आपका इक्वल टू तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फोर अपान वन सिक्सटी नाइन इस करेक्ट आंसर आएगा आपका ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन आपका ठीक है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ठीक है ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका ठीक है सबसे पहले मैं आपको गलत करके बताता हूं ठीक है बच्चे जहां पर गलत कर रहा हूँ वहीं पर मैं अभी गलत करके बता रहा हूँ उसके बाद सही करके बताऊंगा ठीक है स्पीड और इस की बताओ और का मतलब मैंने क्या बताया प्लस बताया मैंने आपको ठीक है पहले स्पीड का निकालते हैं स्पीड आपका टोटल कितना होगा तेरह होता है यही आपका करना स्पीड आपका तेरह यही तो आपका तेरह तो तेरह लिख लेते हैं अभी गलत करके बताता हूँ तेरह डिवाइड बाई फिफ्टी टू ओके अब आपका एस कितना होता है आपका यहाँ और का मतलब क्या प्लस होता है एस कितना होता है आपका चार होता है तो एस आपका बाबू कितना होता है आपका चार होता है देखो चार होता है तो चार लिख दिया चार लिख दिया चार बाई फिफ्टी टू और ये आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो गया क्यों गलत हो गया यहां पर बच्चे करते हैं ऐसे ही करते हैं ठीक है वो आपका गलत हो जाएगा गलत क्यों हो जाएगा बाबू एक बात बताओ ये जो स्पीड है आपका ये जो स्पीड है इसमें टोटल कितना आपका तेरह है तो तेरह में बाबू स्पीड में आपको ये जो आपका एस है ये जो आपका एस है ये भी तो आता है तो ये भी तो आपका एस इसके अंदर आता है तेरह वाले में ठीक है तेरह पत्तों में ठीक है जब तेरह में आइए आ गया तो यहां पर एस आपका टोटल चार होता है आपको तो एक तो हमने इसमें काउंट कर लिया है तो जब इसमें काउंट कर लिया है तो इसमें आपको कितना एस बचा आपका तीन ही तो बचा अब इसमें ले लोगो इसमें ले लोगे चार ले लोगे तो इसमें भी एक तो पाँच हो गया तो पाँच तो होता नहीं बाबू चार ही तो होता है आपको ठीक है तो एक आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि एक हमने इसमें ले लिया है ठीक है तो चार नहीं लेंगे यहाँ पर आपको तीन लेना पड़ेगा तब आपको सही माना जाएगा ओके तो मैंने आपको समझा दिया कैसे तीन लिया जाएगा ठीक तो इसको सॉल्व करोगे इसको सॉल्व करो कितना आएगा आपका ये इसको सॉल्व करो ये तो आपका फिफ्टी आ जाएगा नीचे सेम आपका तेरह तीन जोड़ोगे आपका सोलह ठीक है थीक? अब इसको इसको सॉल्व करो चार से काटोगे तो फोर अपॉन थर्टीन आएगा इसका आंसर ओके ये आपका करेक्ट आंसर है ओके वैसे आपके वाला भी क्वेश्चन आपका उसी टाइप का क्वेश्चन आपका हट और जैक और का मतलब होता है प्लस तो हट आपका टोटल कितना होता है ये वाला आपका हट कितना होता है आपका टोटल तेरह तो होता तो है ये आपका टोटल कितना होता है तेरह होता है तेरह डिवाइड बाई फिफ्टी टू और का मतलब होता है प्लस मैंने बताया आपको ठीक है अब आपका जैक टोटल कितना होता है तो जैक आपका देखो चार होता है एक ये होता है और एक ये होता है ठीक है तो जैक आपका टोटल तो तो इंक्लूड कर दिया है हर्ट में हम मैंने एक ले लिया है ठीक है तो बचा कितना आपका तीन बचा है तो यहां पर तीन लिखेंगे वही मैंने जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया चार नहीं लिखेंगे ये आपको ध्यान रखना है अब इसको सॉल्व करोगे आपको इतना ही आएगा फोर अपॉन थर्टीन यही ओके तो जब ओके okay, तो ऐसे इस टाइप के तो का, का, क्वेश्चन का, का और किसी एक पर्टिकुलर का अगर जो पूछेगा तो हमारा है हम देते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन अगला जो बाबू ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन में आपका पूछा था दोनों है दोनों क्वेश्चन ना तो आइदर वाला केस और नाइदर वाला केस हमेशा आपका बोर्ड एग्जाम में दो नंबर में आपका ठीक है दो से तीन नंबर में आपको क्या करना है ये जो आइदर है ना बाबू ठीक है जो आयदर है उसको हटा दो और और को क्या लिख देंगे हम प्लस लिख देंगे और का मतलब क्या होता है प्लस ठीक है तो जैक और किंग की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है अभी जो मैंने आपको कराया तो आइदर जब भी होगा तो उसको काट देंगे ठीक है ना और और का मतलब होता होता है होता है है मैंने आपको आपको क्या बताया प्लस ठीक जैक और प्लस कर दो किंग की प्रोबेबिलिटी आपका आंसर आएगा तो जैक तो आपका टोटल कितना होता है आपका चार होता है मैंने आपको बताया फोर डिवाइड बाई फिफ्टी टू प्लस ठीक है और क्या मतलब प्लस किंग भी आपका कितना फोर अपॉन फिफ्टी टू जोड़ोगे एट डिवाइड बाई फिफ्टी टू तो काटोगे कितना आ जाएगा अब चार से काटोगे टू अपान कितना आ जाएगा थर्टीन इज करेक्ट आंसर का आंसर आ गया अब हमारा नाइदर वाले केस में क्या होता है आपका नाइदर का मतलब होगा निगेटिव सेंटेंस हो गया पर ठीक है निगेटिव जब भी निगेटिव वाला आपका पूछता है तो एक में से हम उसको माइनस कर देते हैं ओके से एक का माइनस करते हैं जब भी आपका निगेटिव सेंटेंस हो जैसे एक नाइदर हो गया नॉट हो गया नॉन एस जैसे मैंने आपको बताया ठीक है इस तरीके का निगेटिव सेंटेंस होगा तो एक हम माइनस कर देंगे फिर उसके बाद जैक और ठीक है किंग का निकाल लेंगे ठीक है जैक और का मतलब क्या बताया मैंने आपको प्लस बताया यहां पर ठीक है ना तो जैक और किंग जैक तो और किंग का तो ऑलरेडी मैंने अभी अभी निकाला कितना टू बाई ट्वेंट टू बाई थ्री टो तो टू बाई थर्टीन ये अभी निकाला है यहां पर ठीक है अब इसको माइनस करोगे पर तेरह तेरह में से दो जाएगा ग्यारह इलेवन डिवाइड बाई थर्टीन इसका आंसर आ जाएगा आपका ठीक है ना ओके तो इस नेक्स्ट आपके क्वेश्चन को ऐसे करते हैं आइदर वाला और नाइदर वाला ओके तो नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन अब देखो बाबू ये वाला जो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका फिफ्टी टू कार्ड आपका है बाबू ठीक है अब फिफ्टी टू कार्ड है आपका ठीक है अब क्लब में से निकाला जाता है यानी कि इस क्लब में से आपका तीन कार्ड निकाला जाता है कौन कौन सा आपका क्वीन किंग और जैक ठीक है तो जैक क्वीन और किंग हमने निकाल दिया तीन कार्ड हमने निकाल के साइड में रख दिया तीनों कार्ड हमने, तीन हमने रिमूव कर दिया हटा दिया जब इसको हटा दोगे तो आपका बावन में से टोटल पत्ता कितना बचेगा आपका में से तीन को हटा दिया हमने रिमूव कर दिया हटा दिया इसको ठीक है अलग कर दिया ठीक है तो बावन में से तीन घटाओगे कितना बचेगा आपका फोर्टी इन बचेगा तो फोर्टी नाइन कार्ड आपका टोटल कार्ड आपका बचा तो ये आपको फोर्टी नाइन आपको लेना है ये वाला फिफ्टी टू आपको नहीं लेना किसको इसको हटा के हमारा पूछ रहा है क्वेश्चन ठीक है ना तो हर्ट होने की प्रॉबर्टी आपको बताना है तो हट आपका टोटल कितना होता है आपका बाबू तेरह होता है आपका ठीक है तो तेरह डिवाइड बाई फिफ्टी टू नहीं बाबू फोर्टी नाइन क्योंकि तीन कार्ड हमने हटा दिया है इसको हटा कर पूछा है ठीक है रिमूव कर दिया तो ये इसका आंसर हो गया फिफ्टी टू लिख दो आपका गलत हो जाएगा बाबू ठीक है अब आपका पूछ रहा है क्यून होने की प्रोबेबिलिटी ठीक है तो क्यून आपका कितना होता है बाबू एक बार बताओ क्यून आपका टोटल कितना होता है आपका हर एक आपका चार चार होता है आपका मैंने आपको बताया तो क्यून आपका चार होता है तो डिवाइड में यहाँ पर क्या लोगे यहाँ पर आपका फोर्टी नाइन लिखोगे और चार क्यून होता है तो चार लिखोगे गलत हो जाएगा आपका क्यों क्योंकि एक क्यून तो हमने निकाल दिया बाबू देखो एक क्यून हमने निकाल दिया तो टोटल क्यून कितना बचेगा आपका तीन क्यून बचेगा आपका चार में से ठीक है तो थ्री बाई फोर्टी नाइन ये वाला आंसर आएगा ठीक है एक तो हमने क्यून निकाल दिया ना तो इसको निकाल के पूछ रहा है तो चार में से एक कम हो जाएगा तीन बचेगा आपका ठीक है आपको क्लब वाला बताना है ठीक है डिवाइड में आपका कितना होगा फोर्टी नाइन हो जाएगा आपका ठीक है ना और क्लब में आपका टोटल कितना कार्ड होता है तेरह तेरह में इसमें तीन कार्ड निकाला गया है ठीक है देखो एक दो तीन कार्ड हमने निकाल दिया था तेरह में तीन निकाल दोगे तो आपका दस कार्ड बचेगा तो तेरह नहीं बचेगा आपका दस यहां पर लिखना पड़ेगा तो ये इसका आंसर होगा आपका ठीक है तो ओके तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बाबू आपका पूछेगा आपका ठीक है तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आपका पूछता है ठीक है फिफ्टी टू कार्ड में जब कोई कार्ड निकाल दिया जाएगा तो उस कार्ड को हम नहीं लेंगे उसको हटा देंगे ठीक है उसको हटाकर हम काउंट करके लिख लेंगे ठीक है ना ओके बाबू तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो अच्छा लगेगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना थैंक यू बाबू